करण साहब ने कई चीजों के ऊपर कुछ इस तरह का लेबल देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लेबल क्या है और इसके अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं? इस लेबल को पॉइजन कलर कोड या टॉक्सिसिटी लेबल कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट में कितने अमाउंट में जहर यूज किया गया है। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी प्रोडक्ट में जरा सा भी जहर यूज किया गया है तो वहाँ पर ये लेबल लगाना कंपलसरी है किसी भी कंपनी के लिए। अब सवाल ये है कि ये लेबल अलग अलग कलर्स का क्यों होता है। ग्रीन लेबल से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट में बहुत हल्के अमाउंट में पॉइजन यूज किया गया है और अगर आप इसके कॉन्टेक्ट में आते हो तो आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ब्लू लेबल ज्यादातर प्लांट्स पर यूज होने वाले केमिकल्स में होता है। इस लेबल का मतलब है कि प्रोडक्ट ग्रीन लेबल वाले से थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक है, पर इसे भी आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। येलो लेबल का मतलब है हाईली टॉक्सिक, यानी कि प्रोडक्ट में काफी ज्यादा अमाउंट में पॉइजन मौजूद है और इसके कॉन्टेक्ट में आने से आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। ये लेबल आपने मस्कीटो कॉइल्स के बॉक्स पे देखा होगा। अगर लेबल का कलर रेड है किसी भी प्रोडक्ट पे तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा पॉइजनस है और उसके कॉन्टेक्ट में आने से आपकी डेथ भी हो सकती है। ये लेबल ज्यादातर लैब में यूज होने वाले केमिकल्स पे लगा होता है और ऐसे प्रोडक्ट आपको बिना प्रोटेक्शन के यूज नहीं करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अब आपको इन लेबल्स का मतलब पता चल गया होगा। अगली बार आप जब भी कोई ऐसा सामान खरीदो तो एक बार ये लेबल जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना जरूरी समय देकर ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।